हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अचारी आलू की रेसिपी। इसको बनाना बेहद ही आसान है और ये बहुत ही कम सामान में बनके तैयार हो जाता है। तो चलिए, आलू बनाने के लिए हम सबसे पहले बहुत बड़े साइज के, हमने ये काफ़ी बिग साइज के आलू हैं, दो आलू इनको बॉईल करके ले लिया है, तो इनको सबसे पहले छील लेंगे। दोनों आलूओं को छील लेंगे। और अब इनको हम चाकू की सहायता से छोटे छोटे टुकड़ों में चौकोर काट लेंगे। देखिए, इस तरह से चौकोर चौकोर टुकड़ों में इनको काट लेना है। एक आलू के लगभग 8 से 10 पीस कर लेंगे और इनको एक तरफ रख देंगे। अब आती है मिर्च की बारी। ये मिर्च हैं और ये अचार वाली मिर्च हैं और ये बहुत ही ज़्यादा कम तीखी होती हैं। ये इनमें ज़्यादा मिर्च नहीं होती है, तो इनको हम क्या करेंगे, बीच से चीर लेंगे और चीर के इनको एक मिर्च को लगभग 4 पीसों में डिवाइड कर लेंगे। अचार वाली मिर्च हैं, इनमें ज़्यादा तीखापन नहीं होता है। तो यहाँ पर दो बड़े साइज के आलू, लगभग 300 ग्राम आलू है और इसमें लगभग आधा पाव यानी 150 ग्राम हरी मिर्च हमने इस तरह से काट ली है। आप चाहें तो इसको बीच से काट के अलग अलग हिस्सों में भी काट सकते हैं, लेकिन मैंने ये इस तरह से बीच से चीर के और ये जुड़ी रखी है, इसको अलग नहीं किया है। तो अब हमने एक मीडियम साइज का प्याज ले लिया है, इसको भी हम बारीक बारीक चॉप कर लेंगे। प्याज को चॉप कर लिया है तो अब आती है लहसुन की बारी। तो लहसुन की हम कलियां निकाल के एक कटोरी में रख लेते हैं और इनको छील के इनका पेस्ट बना लेते हैं। तो चलिए, हमारी ये प्रिपरेशन हो गई है। तो हमने कढ़ाई को रख लिया है और हम किचन में आ गए हैं। इसमें हम लगभग 4 टेबलस्पून ऑयल डाल रहे हैं। यहाँ पर मैंने रिफाइंड ऑयल का प्रयोग किया है, आप चाहें तो यहाँ सरसों के तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये इसमें ऑयल डाल लिया है और ये थोड़ा गर्म हो जाएगा तब हम इसमें एक एक करके मसालों का उपयोग करेंगे। तो सबसे पहले आधा टीस्पून मेथी सीड्स, फिर आधा टीस्पून जीरा सीड्स, आधा टीस्पून कलौंजी और आधा टीस्पून राई डाली है। इसके साथ ही हमने प्याज डाल दिया है और प्याज को हम सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। जब प्याज का कलर थोड़ा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा तो हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे, तो इसको भी हम इसके साथ अच्छे से भून लेंगे। तो ये दोनों चीज़ें अच्छे से भुन गई हैं मसालों में, तो हम इसमें यहाँ कुछ और मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले हमने एक चम्मच हल्दी पाउडर डाला है, इसके साथ ही आधा टीस्पून लाल मिर्च, ये कश्मीरी लाल मिर्च है और इसमें तीखापन बिल्कुल नहीं होता है, ये सिर्फ कलर के लिए होता है। एक चम्मच हरा धनिया, एक चम्मच सौंफ पाउडर और इसके साथ ही हमने जो हरी मिर्च को काटा था अचार वाली, उनको डाल देंगे और इनको मसाले में अच्छे तरह से मिला देंगे। साथ में ये हमने जो बॉइल्ड करके आलू को काट के रखा था, इनको मिला देंगे। और इनको भी अच्छे तरह से मिक्स कर देंगे मसाले में। इसके साथ ही अब हम आती है नमक की बारी है, तो हम इसमें नमक डालेंगे स्वाद अनुसार। यहाँ पर मैंने एक टीस्पून नमक डाला है
और नमक डाल के अच्छे से इसे मिक्स करेंगे, जिससे नमक प्रॉपरली सब में मिक्स हो जाए। और गैस को हम सिम कर देंगे और इसको लगभग 2 या 3 मिनट तक ढक के पकाएंगे। और ये 2 या 3 मिनट हो गए हैं तो हम इसको एक बार और देख लेंगे और इसको चला देंगे। अब हम इसमें 1 चम्मच खटाई पाउडर और 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। गैस को यहाँ हमें सिम ही रखना है, गैस को तेज नहीं करना है, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं किया है। तो अभी 2 मिनट तक और हम इसको ढक के पकाते हैं। और देखिए 2 मिनट हो गए हैं तो हम इसको एक बार और चला देंगे। अब देखिए ये बढ़िया अचारी आलू बनके हमारे बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो कढ़ाई को हमने गैस से उतार लिया है और अब हम इनकी प्लेटिंग कर लेते हैं। तो हमने एक प्लेट ले ली है और प्लेट में हम अचारी आलू को निकाल लेंगे। और निकालने के बाद इसे पूरी, पराठे, नान, किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें। ये हर आइटम के साथ बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। और इसको आप लोग ज़रूर ट्राई करें। और मेरे स्टाइल से आप बनाएं, पानी का इस्तेमाल ना करें, तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है।